कहते हैं कि सफल जीवन से अच्छा संतुष्ट जीवन होता है। आपकी सफलता का बेहतर आंकलन भी तभी हो सकता है जब जीवन की शाम यानी बुढ़ापे में आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं। बुढ़ापे में अक्सर सफल लोग भी अपनी शारीरिक कमजोरियों से पछताते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका अपवाद हैं जो संपन्नता और उपलब्धियों भरा सफल जीवन जीने के साथ साथ अपनी संतुष्टि और सेहत से परिपूर्ण वृद्धावस्था का प्रबंध करते हैं। ऐसी ही चुनिंदा शख्सियतों में से एक हैं फाजिलका के जी सिंह सचदेवा। हाल ही में 5 जून को अपने जीवन के 78 सावन देखने के बाद 79वें साल में प्रवेश कर चुके जी सिंह सचदेवा की चुस्ती फुर्ती को देखकर और आज की 30-35 साल उम्र में ही रोगों और कमजोरियों से निढाल हो चुकी युवा पीढ़ी को देखकर टीवी का एक पुराना विज्ञापन याद आ जाता है कि 35-40 बरस के बूढ़े या 78 साल के जवान। जी हाँ, आज भी जी सिंह सचदेवा का इतना फिट और तंदुरुस्त होने का राज जहाँ उनका आज भी शारीरिक कसरत, रोजाना सैर, रनिंग, वॉकिंग के साथ जुड़े होना है, वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव के प्रिय साधकों में शुमार श्री सचदेवा ने योग को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रखा है। उससे भी खास बात यह है कि वो अपने जीवन में पैसे, रिश्ते और शरीर की तंदुरुस्ती से ज्यादा परमात्मा की भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। रोजाना परमात्मा का नाम ध्याने से अपनी सवेर की शुरुआत करने वाले जीत सिंह सचदेवा सुबह शाम योगा, व्यायाम और सैर के साथ साथ सात्विक भोजन यानी बिना तला, कम मसालेदार और भारतीय भोजन का ही सेवन करते हैं। साथ में फलाहार और हरी सब्जियां व सलाद उनके भोजन का प्रमुख भाग है। अगर बात संतुष्ट जीवन की करें तो एक होलसेल कपड़ा विक्रेता के रूप में पैसा कमाने के मामले में सफल पारी खेलने के बाद सचदेवा काम से रिटायरमेंट ले चुके हैं, जबकि अधिकांश लोग मरते दम तक पैसा कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन सचदेवा ने बेटी और बेटे की शिक्षा दीक्षा में अहम भूमिका निभाई। बेटी कस्बा पंजे के उतार के संपन्न परिवार में विवाहित है, जबकि पुत्र इंग्लैंड में सेटल है। पत्नी प्रमोद सचदेवा सेहत विभाग से सेवानिवृत्त है और अब पति के साथ सफलता के बाद संतुष्टि भरा जीवन जीने को तरजीह दे रही हैं। आइए करते हैं 78 साल के युवा जीत सिंह सचदेवा व उनकी जीवन संगनी प्रमोद सचदेवा के साथ बात। मैं जीत सिंह सचदेवा, निवासी फाजिलका का रहने वाला हूँ। तो मैं चाहना कि अपनी जिंदगी खूबसूरत जीनी चाहिए। वो इसी किमें जी सकते हैं, सब तो पहले अपने परमात्मा अपना अपना लो। सैकेंड नंबर के अपनी काया सब तो अच्छी रखो। तीजे नंबर पर मैं कहूँगा कि अपने घर में माया भी जरूर होनी चाहिए। तो मैं चाहना कि मेरे सारे दोस्त, मेरे पुराने सीनियर सिटीजन साहब अच्छी मजबूत लाइफ अपनी बनान और खूबसूरत जिंदगी जी, जिंदे विच प्रभु का नाम सब तो पहले लेना चाहिए। सैकेंड नंबर अपना योगा, एक्सरसाइज, दौड़, रनिंग सब कुछ डेली रोज़ ही करना चाहिए, जिंदे ना साढ़े नज़दीक कोरोना नेड़े ना आवे। साढ़े कोशिश करो जिन्नी भी योगा एक्सरसाइज कर सकते उन्ना ही साढ़ा फायदा है। जिंदे विच मैं लगभग 1.25 मिनट के उत्ते मैं अपना सह रोक लैंना। सब इस सारी कृपा प्रभु की कृपा है, जो भी तुहानू एक्सरसाइज भी करके सारे कुछ दसांगा। मैं डट बैठका भी मारना, मैं एक्सरसाइज योगा भी करना, वेट लिफ्टिंग भी करना, रनिंग भी करना, ये सब मेरी प्रभु का दिता शौक है। मैं लगन लगा है तो मैं भी चाहना कि सब मेरे दोस्त प्रेमी सब योगा करन और तंदुरुस्त मेरे तरह तकड़े नौजवान रहन। मैं प्रमोद सचदेवा, वाइफ ऑफ जीत सिंह सचदेवा, असी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। पर मैनू ये बहुत खुशी होंगी है कि मेरे हसबेंड जड़े है बड़े एक्टिव रहते हैं, मैडिटेशन च डेडिकेट करते हैं, योगा इन्हां दी डेली दी रूटीन है, अपने आप नूं मेनटेन रखना आपदा ध्यान रखते हैं। तो इन्हां दी रूटीन सारी बिल्कुल फिक्स हैगी है, बाजार का नहीं खाना, आपके घर च जो है फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इन्हां दी रूटीन है डेली लैन च। इन्हां दी रूटीन के नाल मेरी भी सेम उवें रूटीन है, मैं भी इन्हां दे नाल उवें एक्टिव हैगी हाँ, योगा, मैडिटेशन और शाम की सैर मेरी फिक्स है। तो असं आपदे आप बिजी रखने, सानू लगता ही नहीं कि असं रिटायर है। सारा आपका टाइम पर खाना, टाइम पर सब बिल्कुल फिक्स है।
ਹੈ।